पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सुमी को लेते हैं। हाँ जी सुमी। हेलो। हाँ जी बढ़िया है साहब। हाँ जी मैं बढ़िया, बोले जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पेगनिज्म होता है, उसको पेगनिज्म के बारे में जैसे तो बहुत बुरा बताते हैं, तो क्या कहते हैं, लेकिन अगर जैसे देखा जाए तो भगवान को मानना या गॉड को मानना जो भी है वो तो अपने आप में एक पेगन बिलीफ है। जी हाँ ठीक है जी। क्योंकि वो तो फिर क्योंकि जैसे जैसे इंसान का दिमाग जैसे जैसे पहले जब इवॉल्व हो रहा था तो जब वो दुनिया के कांटेक्ट में जैसे आ रहा था तो उसको नई नई चीजें पता उसको महसूस हो रहा था कि ये मतलब हमारा ये क्या चीज है। जैसे जानवर है वो पहाड़ को देख के या सूरज को देख के तो नहीं सोचते अरे ये क्या चीज है, लेकिन इंसान का दिमाग धीरे धीरे जब बढ़ने लगा आगे इवॉल्व हुआ तो उसने सोचा तो इससे तरह तरह की चीजें उसके दिमाग में आई। तो इसी से मुझे लगता है कि मतलब देवी देवता हैं या सुपर नेचुरल बींग्स हैं इनकी या भगवान जैसा गॉड वगैरह इसकी दिमाग में आई उसकी, ऐसा हो सकता। तो आप ये कह रहे हैं, आप यानी ये कह रहे हैं कि जो चीज आपके दिमाग में आई तो वो सही हो सकती है बात? नहीं सही नहीं हो सकती है, मतलब केवल दिमाग मतलब उसने सोचा ऐसा कि मतलब सोच गलत भी आ सकता है। नहीं तो गलत सोच भी आ नहीं सकती मैं नहीं तो मैं सही नहीं मैं उसको सही नहीं कह रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ ये सब दिमाग में है, असलियत में है या नहीं है इसका कोई सबूत ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आपका, आप क्या कह रहे हैं कि ये क्या रैशनल है या नहीं है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे भगवान पे विश्वास करना ये एक पेगन मतलब बिलीफ है यानी कि प्रिमिटिव है, तो ये इसकी बुराई क्यों करते हैं लोग? नहीं तो उससे डॉगमा बनता है ना। एक चीज आप गलत चीज को बिलीव करते हैं तो उससे फिर डॉगमा बनता है, और वो डॉगमा जो होता है वो डेंजरस होता है आपकी सोसाइटी के लिए। फिर आप नहीं तो वो तो नहीं तो वो तो जो मानने वाले हैं जो सब ऐसी चीजों पे ही मानते हैं, तो सभी धर्म के लोग हैं वो सब ऐसी चीजों को ही मानते हैं, सारे गलत हैं मतलब जैसे हाँ सब मन की बातें मतलब कहानियां बता दी बच्चों को रात में सुलाने के लिए तो उनने उसको सच समझ के बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे, लेकिन एक दूसरे को जो गलत बताते हैं ना ये लोग। हाँ तो गलत ही हुआ ना फिर, वो जो कहानियां सुनाते हैं कहानियां या तो सच हो सकती हैं या झूठ हो सकती हैं। नहीं आप पॉइंट नहीं समझे, मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ जैसे पेगनिज्म के बारे में ये लोग कहते हैं जैसे और धर्म के लोग हैं जितने भी इस्लाम है हिंदू है या आपका क्रिश्चियनिटी वगैरह है ये पेग बताते हैं पेगन मतलब जो कहते हैं कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है जैसे कोई पत्थर को वो कर रहा है कहते हैं पेगन है ये, तो लेकिन पेगन भगवान पर विश्वास करना भी तो एक पेगन बिलीफ ही है यानी कि मतलब सबसे पेगन ही है वो। तो आप ये कह रहे हैं जो बाकी धर्मों को पेगन कहते हैं तो उन्हें पता है इस बात का, तो वो तो उन्हें पता है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हम पेगन नहीं है, तो फिर वो उनको कहते हैं भाई ये जो पत्थर है आप उसके चक्कर लगाते हैं ये भी पेगनिज्म है, आप गॉड को बिलीव। पेगनिज्म की डेफिनेशन ये है, थोड़ा सा सटल डिफरेंस है कि आपने एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बनाई है विच इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गॉड, आपने एक बुत बनाया। मुसलमानों का ये है कि हम पेगन नहीं है क्योंकि हम खुदा की बुत नहीं बनाते, हम वैसे खुदा को मानते हैं, तो ये है तो एक तरीके के सब कुछ ही पेगनिज्म जी, लेकिन खुदा को जी खुदा को मानना ही अपने आप में एक पेगनिज्म है। हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन पेगनिज्म की डेफिनेशन जो है ना असल वो यही है कि आपने उसकी छवि बनाई है, आपने उसकी एक रिफ्लेक्शन बनाई है, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया। हजरत मोहम्मद से मंसूब एक बड़ी मशहूर हदीस है कि एक दरख्त के नीचे वो बैठा करते थे, उन्होंने दरख्त काट दिया क्योंकि उन्होंने कहा लोग आके ना इस दरख्त की ना इबादत करने लग जाए,
तो वो पेगनिज्म वो हो जानी थी अगर मुसलमान दरख्त की इबादत करने लग जाते। तो पेगनिज्म हुआ अच्छा। है एक लिहाज से, जो ये सूफी दरबारों में जो जाते हैं, दरबारों में जाके जब ये बाबों से दुआएं मांगते हैं कि बाबा जी अल्लाह मियां से मेरी सिफारिश कर दें, तो बाबे के पास अब जाके दुआ मांग रहे हैं। कुरान में लिखा हुआ है कि दुआ आपने सिर्फ अल्लाह से करनी है, तो लेकिन जो बरेलवी और देवबंदी है सारे अपने बाबों के पास मजारों पे जाके दुआएं मांगते हैं। दैट इज अ फॉर्म ऑफ पेगनिज्म, यू कैन कॉल दैट फॉर्म ऑफ पेगनिज्म, बट इन इट्स ओन लिटिल सटल डिफरेंसेस हैं। तो ये असल बात पेगनिज्म वर्सेस नॉन पेगनिज्म नहीं, असल बात यही है, कहानी की है, विचों कहानी की है। आप भी वही बात करें जिसका कोई एविडेंस नहीं, वो भी वही बात करें जिसका कोई एविडेंस नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।